सूबाई वजीर सनअत और तिजारत जाम इकरामुल्ला धारेजो ने सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की ई कॉमर्स वेबसाइट का अजरा कर दिया। लॉन्चिंग की तकरीब सूबाई वजीर सनअत और तिजारत के दफ्तर में हुई। एमडी स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन सरवत फहीम भी इसमें शरीक हुए। इस मौके पर जाम इकरामुल्ला धारेजो का कहना था कि वेबसाइट का मकसद सिंध के सकाफती वर्से का फरोग और इस शोबे के कारीगरों की हौसला अफजाई है। सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन सिंध के हुनरमंदों के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है, जिससे मसनूआत की ऑनलाइन खरीदारी की जा सकेगी। ऑनलाइन ई कॉमर्स के जरिए छोटी सनदों को भी फरोग मिलेगा। हमने काम किया है साइट में, आप देखें तो काफ़ी काम हो रहा है। अभी नया पैकेज फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी आया है, एक सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी आ रहा है, तो मेरे ख्याल में अनकरीब उनके तकरीबन 45 रोड्स पे काम शुरू होने जा रहा है। और दूसरी जगहों पे आप देखें नए इंडस्ट्रियल जोन्स भी आ रहे हैं। हम जिस तरह आपने कहा कि कराची में बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जा रही, ये बात गलत है। 2000 एकड़ पे नया इंडस्ट्रियल जोन हब रोड पे आ रहा है, और उसके साथ आपको पता है कि सिंध गवर्नमेंट ने जो स्टील मिल की ज़मीन थी वो फेडरल गवर्नमेंट से को देके और वहाँ पे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन फॉर चाइनीज़ इन्वेस्टर्स के लिए, और दो दिन पहले चाइनीज़ डेलीगेशन भी आया था, वो भी वहाँ पे विज़िट करके गया है। और आपको ये भी मालूम है कि DHA वालों की तरफ से भी एक इंडस्ट्रियल जोन आ रहा है मलीर में। तो मेरे ख्याल में 3-4 साल में आप देखेंगे कि यहाँ के स्पेशली कराची सिंध के इंडस्ट्रियल जोन्स न सिर्फ सबसे बेहतर होंगे, और आप देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जो हम तवज्जो दे रहे हैं, और आप देखेंगे आप फ़र्क महसूस करेंगे दूसरे सूबों से। समझते हैं कि पाकिस्तान या सिंध में लोगों के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़रूरी है, इसी से बेरोज़गारी ख़त्म होगी, अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारे यहाँ है, इंडस्ट्रीज लगेंगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी।